नमस्ते दोस्तों, मैं हेमंत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने गोल्डन कलेक्शन चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं कुछ 10 रुपये के नोट्स का कुछ कलेक्शन दिया, कुछ पैकेट का, कुछ लूज नोट दिखा होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर लें, शेयर करें व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, क्योंकि दोस्तों हम आपको 10 रुपये का डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शन दिखाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप 10 रुपये का शालीमार पैकेट देख सकते हैं। ये 10 रुपये का शालीमार पैकेट है। अगर आपको ये वाला पैकेट चाहिए, शालीमार पैकेट, सी रंग रंजन सिग्नेचर है, तो ये आपको पैकेट मिल जाएगा 1550 रुपये में। अगर आपको पैकेट चाहिए ये वाला 10 रुपये का शालीमार पैकेट, सी रंग रंजन वाला, तो ये भी पैकेट आपको मिल जाएगा 1550 रुपये में। उसके दोस्तों, अगर आपको 10 रुपये का नोट चाहिए, ये मनमोहन सिंह वाला सिग्नेचर वाला कि शिप वाला, ये पूरा पैकेट आप देख सकते हैं, तो पैकेट ये आपको पूरा पैकेट मिल जाएगा 4000 रुपये में, 4000 रुपीज़ में पूरा पैकेट। अगर आपको पैकेट चाहिए आईजी पटेल वाला, तो ये भी पैकेट दोस्तों आपको मिल जाएगा 4000 रुपये में। किश्ती वाला पैकेट होता है, पूरा पैकेट है 100 नोट का, तो आप देख सकते हैं ये भी आपको 4000 रुपये में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये भी 10 रुपये का पैकेट है, तो ये पीकॉक वाला पैकेट आप देख सकते हैं, और जिसमें दोस्तों रिवर्स 786 वाला भी एक नोट निकलेगा, और उसका सिग्नेचर आर्यन मल्होत्रा के है। तो अगर आपको पूरा पैकेट चाहिए 10 रुपये का पीकॉक वाला, तो ये पैकेट आपको मिल जाएगा 4500 रुपये में। अगर दोस्तों को 10 रुपये के चाहिए नोट एमनेशियम वाले, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 10 रुपये के एमनेशियम वाले नोट है, सिग्नेचर एमनेशियम का, तो ये आपको एक नोट मिल जाएगा 170 रुपीज़ में। उसके बाद दोस्तों, अगर आपको 10 रुपये के नोट चाहिए शालीमार के लूज वाले, आप देख सकते हैं, तो ये आपको एक नोट मिल जाएगा 25 रुपये में, 25 रुपीज़ में एक नोट मिल जाएगा शालीमार वाला। अगर दोस्तों आपको नोट चाहिए 10 रुपये के डायमंड इशू वाले, उनके नीचे पीसी वाटर चलेगा होता है, तो ये आपको एक नोट मिल जाएगा 160 रुपीज़ में। उसके बाद दोस्तों, अगर आपको 10 के नोट चाहिए, ये हमारे गांधी वाले बैकसाइड में गांधी जी का फोटो होता है, तो ये आपको एक नोट मिल जाएगा 180 रुपीज़ में। उसके बाद दोस्तों, अगर मीडियम कंडीशन के नोट चाहिए 10 रुपये के, क्या कहते हैं इसको, डायमंड इशू के, तो मीडियम कंडीशन के भी है, तो ये आपको एक नोट मिल जाएगा 100 रुपीज़ में, एक नोट मिल जाएगा डायमंड इशू वाला 100 रुपये का, सिग्नेचर पीसी वाटेचर का होता है। उसके बाद दोस्तों, अगर आपको नोट चाहिए 10 रुपये के फफड़ा, तो उसको फफड़ा नोट कहते हैं, देख सकते हैं, तो ये आपको एक नोट मिल जाएगा 300 रुपीज़ में, फफड़ा नोट के नीचे पीसी वाटे चले होता है, किश्ती वाले नोट होते हैं, बड़े फफड़ा वाले नोट, पुराने टाइम में इस तरह के नोट चलते थे। अगर आपको चाहिए थोड़ा अच्छी कंडीशन के नोट चाहिए फफड़ा, तो वो भी मिल जाएगा, तो ये अच्छी कंडीशन के फफड़ा नोट है मेरे पास, थोड़े काफ़ी सारे नोट है, तो ये आपको एक नोट 400 रुपये में मिल जाएगा। अगर थोड़ा मीडियम कंडीशन के नोट चाहिए, तो ये आपको एक नोट 250 रुपये पे मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर जो जो नोट चाहिए वो मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा, मुझे वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आपने कलेक्शन देख लिया, और उम्मीद करता हूँ कलेक्शन पसंद आया होगा। कलेक्शन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कलेक्शन कैसा लगा। और एक हमने वेबसाइट भी बनाया अपना goldencollection.co.in के नाम से, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब लिंक को क्लिक करें, हमारी वेबसाइट पहुँच जाएगी, तो वहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स नोट की जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप हमेशा खुश रहे और कलेक्शन करते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।